सो गाइस लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहने के बाद भी मेरा कैमरामैन का तबियत खराब हो चुका है, फीवर हो चुका है एंड मेरा खुद का पर्सनल मेरा फीवर हो चुका है एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे आरिश भाई कोई एक ही वीडियो बना करके दिखाओ, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करो जिस वीडियो हम लोग आपके जैसा फेस स्मूथ का पावर स्टार बन जाए, फेस स्मूथ का खतरनाक एडिटर बन जाएंगे। तो हाँ मेरे जान इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग मेरे जैसा फेस स्मूथ का मास्टर बन जाएंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो लाएंगे फिर लाइक कर दीजिएगा एंड बहुत ही कम टाइम में सिखाएं, तो चले जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जैसे कि आ चुके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना फुल एचडी हाई क्वालिटी हम अपने फेस को स्मूथ किए हैं, यानी पावर मास्टर, ठीक है ना जान। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पावर मास्टर बना देंगे फेस स्मूथ का बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में एंड हम लोग का ये ओरिजिनल फोटो है। सो जान बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ऑटोडेस्क स्केच बुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोग शेयर करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे एंड ओरिजिनल फोटो हम लोग का शेयर हो चुका है, ठीक है जान। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक एक स्टेप बताएंगे, वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा पछताएंगे, ठीक है जान। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए बहुत सारा ब्रश रहता है, ठीक है जान, ऊपर यहाँ कॉर्नर में, ठीक है। सबसे ऊपर ब्रश वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करें और सिंपली आप लोग के सामने बहुत सारा ब्रश एंड बहुत सारा टूल्स, बहुत सारा सेटिंग आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जान। मैं ऐसा आप लोग को सेटिंग बताने वाला हूँ, ऐसा आप लोग को ब्रश बताने वाला हूँ जो आज से पहले कोई जानता नहीं था, ठीक है ना मेरे जान। तो सिंपली ये वाला ब्रश आप लोग को सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि देख लीजिए मैं एरो के हिसाब से आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है जान। तो सिंपली आप लोग इस ब्रश पर क्लिक कर लीजिएगा एंड सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएगा एंड ये वाला ऑप्शन, ठीक है, साइज, ठीक है ना जान, साइज को बढ़ा लेना होगा एंड सिंपली दोस्तों इतना करना, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आ जाएगा एंड ऊपर आप लोग को मिल जाएगा एक प्लस वाला आइकन। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक आप लोग लेयर बना लीजिएगा। सो दोस्तों लेयर बनाने में सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर देखिए कलरफुल होगा, ठीक है जान। सिंपली आप लोग को कलरफुल ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड फिर से कलर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे एंड नीचे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग को क्लिक करके एंड यहाँ पे आप लोग को व्हाइट सेलेक्ट कर लेना होगा। सो दोस्तों व्हाइट सेलेक्ट करने में सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा टूल्स, बहुत सारा सेटिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोग डन करते हैं तो सिंपली आप लोग को बैक आ जाना होगा। सो दोस्तों बैक आने में फिर से अब आप लोग को क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा एंड नॉर्मल पे आप लोग को क्लिक करके एंड यहाँ से आप लोग को सॉफ्ट लाइट कर लेना होगा। सो दोस्तों सॉफ्ट लाइट करने का कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लीजिएगा, ठीक है ना, एंड फोटो जूम करने का कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस के ऊपर पेंट कीजिएगा एंड हम लोग आज ना बैकग्राउंड के ऊपर भी पेंट करने वाले हैं एंड साथ ही साथ फेस के ऊपर भी पेंट करने वाले हैं। सो दोस्तों जैसे यहाँ पर मैं पेंट कर रहा हूँ आप लोग के सामने, देखिए जहाँ पर मेरा ब्लैक फेस है यहाँ पे देखिए ब्लैक है एंड यहाँ पे व्हाइट है, ठीक है। तो आप लोग बिफोर आफ्टर देख ही लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आप लोग के सामने दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट है एंड यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है। तो फटाफट मैं पूरा आप लोग के सामने इसको व्हाइट कर देता हूँ, बैकग्राउंड को भी एंड मैं अपने फेस को भी। तो यहाँ पे हल्का सा चली जान वीडियो को फास्ट कर देते हैं, सॉरी थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने फेस के ऊपर एंड बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। जो मैं ब्रश बताया सेम आप लोग वही अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हल्का सा बच चुका है, मैं आप लोग के सामने दिखा देता हूँ, यहाँ पे रह गया है तो यहाँ पे भी अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आप अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे आप लोग पेंसिल आइकन पे आ जाइएगा लाइब्रेरी में एंड हाँ मेरी जान यही है ब्रश, आप लोग को स्क्रीनशॉट मार लेना होगा। सो दोस्तों इतना करना सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, ऊपर फिर से आप लोग इसोलेशन पर आ जाइएगा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर से दोस्तों आप लोग को ब्रश वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड यही ब्रश फिर से हम लोग यूज करेंगे एंड यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड फिर से आप लोग को इस वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा, ठीक है। सो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे आने में सिंपली आप लोग को ये वाला सेटिंग अप्लाई कर लेना होगा। सो दोस्तों इतना करो सिंपली आप लोग को कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा एंड आप लोग को क्या करना होगा, रेड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जान। तो यहाँ से मैं फटाफट रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ से मैं रेड सेलेक्ट करने में सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, हल्का सा साइज को कम कर देना है। फिर से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, लेयर पे क्लिक करके नॉर्मल पे आ जाइएगा एंड आप लोग को सॉफ्ट लाइट कर लेना होगा, कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लीजिएगा। सो दोस्तों फोटो जूम करना कुछ इस तरीके से आप लोग को ना क्या करना होगा मेरी जान, अपने लिप्स के ऊपर पेंट करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं पेंट कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप लोग भी पेंट करेंगे, साइज को बढ़ा करके एंड घटा करके। तो आप लोग का जो भी
ओठ रहता है, ठीक है जान, यानी लिप्स रहता है, तो आप लोग के लिप्स के ऊपर एक अजब, ठीक है, अजब एंड गजब का लुक आता है, ठीक है, ताकि देखने में बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है, ठीक है जान। तो फटाफट मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ एंड दोस्तों आप लोग भी अप्लाई कर लीजिएगा। सो दोस्तों इतना करना सिंपली, अब आप लोग को क्या करना होगा, सिंपली आप लोग देखिए ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, उस वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड शेयर पे क्लिक कर लीजिएगा एंड सेफ्ट डिवाइस पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा गैलरी में। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम लोग फोटो को सेव किए हैं तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से प्यारा प्यारा इंटरफेस आप लोग के सामने मिल जाएगा देखने के लिए फेस के ऊपर। सो दोस्तों अभी हम लोग एक ही स्टेप यूज किए हैं, फिर से अब आप लोग को क्या करना होगा, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर ओरिजिनल फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा। सो दोस्तों जैसे आप लोग शेयर करते हैं, एक भी सेकेंड आप लोग को वीडियो को मिस नहीं करना है, ठीक है मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपका भी फ्रेंड, आपका भी दोस्त, आपका भी जान मेरे जैसा एडिटिंग बहुत ही कम टाइम में सीख करके इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल ट्रेंडिंग वीडियो ट्रेंड करा सके वीडियो, ठीक है ना मेरे जान, आपका भाई एंड बड़ा भैया भी, यानी मतलब मेरे बड़े भैया, ठीक है जान, तो सॉरी जान, लव यू जान, सपोर्ट टू सपोर्ट है। एंड अगला स्टेप मैं आप लोग को बता देता हूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से सबसे पहले पेंसिल आइकन पे आ जाइएगा एंड डिटेल्स पर क्लिक कर लीजिएगा एंड स्ट्रक्चर को हल्का सा माइनस कर देना है, ठीक है, 28 माइनस, ठीक है 29 हो गया, तो 29 रहने देते हैं एंड शार्पनिंग को आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा। सो दोस्तों इतना करना सिंपली ऐसे आप लोग को डन कर लेना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों डन करना, फिर से आप लोग पेंसिल आइकन पे आ जाइएगा, सेलेक्टिव पे क्लिक करके आप लोग अपने फेस के ऊपर ब्राइटनेस को अप्लाई कर लीजिएगा। सो दोस्तों यहाँ पे 36, ठीक है, पूरे फेस के ऊपर 36 ब्राइटनेस अप्लाई कर दिए हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना सिंपली ऐसे आप लोग को डन कर लेना होगा एंड डन करना सिंपली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इतना करना सिंपली इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो फटाफट लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर मैं फोटो को शेयर कर लेता हूं एंड आप लोग भी कर लीजिएगा। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, आप लोग अच्छे से फेस के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है जान, ताकि रियल एडिटिंग सिखाने वाले आज की इस वीडियो में, ठीक है। सिंपली आप लोग लाइट वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा एंड शेडो को हल्का सा इंक्रीज करना, यानी बढ़ा लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं फटाफट 32 बढ़ा लेता हूँ एंड वाइट्स को हल्का सा कम कर लेंगे 22 एंड ब्लैक्स को हल्का सा कम कर लीजिएगा, यानी बढ़ा लीजिएगा 28, ठीक है जान, सॉरी। सिंपली इतना ना सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, कलर वर्सन पे आ जाएंगे, मिक्स पे क्लिक करके ग्रीन टोन को हम लोग सेचुरेशन माइनस, येलो टोन पे क्लिक करके इसका भी सेचुरेशन माइनस, फिर से आप लोग सेकेंड वाले ऑप्शन पे आ करके इसका लिमनेस आप लोग को 54 प्लस एंड सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर देना है 18। तो यहाँ पे आप लोग समझ में नहीं आता, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड लिमनेस को हल्का सा बढ़ा लेंगे। अब आप लोग फोटो में क्वालिटी देखिए, ठीक है जान, आप लोग खुद ही देख लीजिए फोटो में क्वालिटी कितना औसम तरीके से मैं लुक अप्लाई कर चुका हूँ बिफोर एंड आफ्टर। एक बार फिर से फोकस कीजिए, ठीक है जान, बिफोर एंड आफ्टर। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना सिंपली, अब आप लोग को क्या करना होगा, इस फोटो को शेयर कर लेना है डायरेक्ट ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से शेयरिंग फोटो हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग को ऑटोडेस्क स्केचबुक ओपन हो चुका है एंड हम लोग फोटो को शेयर कर चुके हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों अब आप लोग को क्या करना होगा, मैं ब्रश बताता हूँ कैसे मैं अपने फेस को स्मूथ करता हूँ फुल HD हाई क्वालिटी। तो सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे पेंसिल आइकन मिल जाएगा एंड हाँ मेरी जान यही ब्रश फिर से हम लोग यूज करेंगे। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड स्मूथ पे क्लिक कर देना होगा एंड फॉलो को कुछ इस तरीके से आप लोग को कितना करना है 70, ठीक है, सॉरी जान 27 नहीं 23 कर लीजिएगा, 23 एंड स्टैंड को बढ़ा लीजिएगा तो 34 एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है जान। अगर ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में नहीं आता है तो 100% आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, ठीक है जान, स्मूथ में यही सेटिंग काम आएगा आप लोग के, ठीक है ना। सिंपली कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लेंगे एंड यहाँ पे हाँ मेरी जान फॉलो कीजिएगा, फोकस कीजिएगा कि मैं अपने फेस को कितना अच्छे तरीके से एक लेवल में स्मूथ करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं ब्रश को स्मूथ कर रहा हूँ, यानी सॉरी जान ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में मैं आप लोग को रियल एडिटिंग सिखा दिया, अपना पर्सनल सेटिंग बता दिया कि मैं अपने फेस को कैसे स्मूथ करता हूँ, कैसे मैं अपने फेस को बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1% ब्लैक नहीं आ रहा है, या तो मैं ब्रश को फास्ट अप्लाई करूँ या तो स्लो मोशन में अप्लाई करूँ, ठीक है। आप लोग को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा स्लो मोशन में, आप लोग सर्कल बना करके आप लोग स्मूथ कीजिएगा तो आप लोग का फेस बहुत ज़्यादा मेरे जैसा औसम तरीके से स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ मेरी जान आशा करती हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिटेड ऐसा वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पूरा वीडियो आज करने के लिए थैंक यू सो मच मेरी जान एंड हाँ मेरी जान एक हमारा जान है, ठीक है, हमारे जान है जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर ब्लॉगिंग करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप लोग जा करके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा,
वहाँ पे जाकर के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए। एंड हाँ मेरी जान, ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा एंड मुझे पूरा विश्वास है बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ आर्टिस्ट भाई की तरफ से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्त भाई जान के पास शेयर करना ना भूलिएगा। आपके भैया यानी मतलब मेरे बड़े भैया, ठीक है जान। तो लव यू ऑल ब्रदर, सपोर्ट टू सपोर्ट एंड जय हो सिद्ध बाबा।